करता हूँ आप सब फिर ऐसे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम है मशर अहमद और आप देख रहे हैं अहमद फिटनेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपके साथ शोल्डर और बैक का वर्कआउट शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले बैक के वर्कआउट के लिए हमने पुलअप्स लगाने हैं। पुलअप्स को कैसे परफॉर्म करना है आइए ज़रा देखिए। पुलअप्स को परफॉर्म करते हुए आपने अपनी जो चिन है इसको बार से ऊपर लेके जाना होता है और नीचे अपने आर्म को बिल्कुल स्ट्रेट करना होता है ताकि आपको बैक में स्ट्रेचिंग फील हो। ये देखें ये नीचे बिल्कुल स्ट्रेट और ऊपर जाके स्क्वीज़ करना है ताकि आपको अपनी बैक में टेंशन फील हो। सही है, तो इस तरीके से आपने वार्म अप के दो सेट परफॉर्म करने हैं। मैक्सिमम पुलअप्स जितने आप कर सकते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से वार्म अप हो जाएं और आगे जो बैक की एक्सरसाइज आपने करनी है उसके लिए अपनी बॉडी को रेडी कर सकें। वार्म अप करने के बाद हम चलते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जो कि है हमारी लैट पुल डाउन की। तो बैक वर्कआउट में आपने लैट पुल डाउन को लाजमी शामिल करना है अगर आप बिगिनर हैं तो। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, वो आपने अपने माइंड में रखना है कि ये जो हुक है ना इस बारबल की वो आपने बाहर वाली साइड पर रखनी है ताकि आपको किसी किस्म की इंजरी ना हो। ये मैंने यहाँ पर यही बताया है कि हुक जो है उसका रुख जो है वो बाहर वाली साइड पर होना चाहिए। इसको ग्रिप कहाँ से करना है, ग्रिप जो है आपने वाइडर करना है, बिल्कुल रॉड के बाहर वाली साइड से आपने दोनों हाथों से ग्रिप करना है और बिल्कुल स्ट्रेट आपने अपनी बैक को रखना है और अपने दोनों आर्म से जो है वो रॉड को पुल करना है नीचे की जाने। रॉड को कहाँ तक पुल करना है, रॉड को आपने अपनी नेक के एंड पॉइंट तक जो है वो पुल करना है यहाँ तक और ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट करना है बाजुओं को, नीचे ऊपर स्ट्रेट और नीचे यहाँ पर स्क्वीज़ करना है। ऊपर जाकर आपने स्ट्रेचिंग करनी है तो अपने बाजू को बिल्कुल आपने मुकम्मल तौर पर खोलना है और नीचे आके आपने अपने स्क्वीज़ करना है। नीचे आकर आप एक से दो सेकंड के लिए रुके, उसके बाद दोबारा आप जो है ना ऊपर जाने दें और दोबारा ये रैप परफॉर्म करें। इस तरीके से आपने 10 to 12 रेपिटेशन परफॉर्म करनी है, इसके बाद आपने नेक्स्ट सेट की जगह मूव करना है। यहाँ पर आप एक बार अपने माइंड में बिठा लें कि हम जो है वो वेट लिफ्टर नहीं है, मसल बिल्डर्स हैं, तो हम यहाँ पर वेट लिफ्टिंग के लिए नहीं आए हुए। हमारा फोकस होना चाहिए कि हम अपने मसल को अच्छे तरीके से हिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बजाय इसके कि हम अपने माइंड में ये बात रखें कि हम हैवी वेट लिफ्ट नहीं कर रहे। तो ये बात जहन से निकाल दें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एंगल बिल्कुल ठीक होना चाहिए, अगर आपका एंगल ठीक होगा तो आपके मसल बिल्ड होंगे। तो आप कोशिश करें कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, वेट मैटर नहीं करता, एंगल जो है उसका परफेक्ट होना लाजमी है। इसके बाद दोस्तों हमारी सेकंड एक्सरसाइज है फ्रंट लैट पुल डाउन की। इसको कहाँ से आपने पकड़ना है ये देखें, जहाँ से रॉड बेंड हुआ है वहाँ से आपने इसको ग्रिप करना है दोनों हाथों से। आपने अपनी बैग में थोड़ी सी आर्क बना लेनी है, जब आपने इस रॉड को नीचे की जाने पुल करना है तो आपने अपनी बैग को थोड़ा सा पीछे करना है और जब आपने दोनों आर्म को ऊपर की जाने खोलना है
अपने बाजू को स्क्वीज करना है, ऊपर जाकर आपने थोड़ा सा आगे की जानब मूव करना है। ये देखें, ऊपर जाकर आपने आगे की जानब होना है और नीचे आते हुए आपने पीछे की जानब थोड़ा सा झुकना है। इस तरह आप जब पीछे की जानब झुकते हैं तो आप सारा जो वेट है उसका जो इफेक्ट है वो आपकी बैक पर हो रहा होता है। देखिए नीचे आके जब मैं बैक क्लोज करता हूँ तो कैसे बैक के जो मसल है वो बिल्कुल इकट्ठे हो जाते हैं और जो है ना एक टेंशन सी बन जाती है मेरी बैक में। इस तरह से आपने ये जो सेकंड एक्सरसाइज है हमारी फ्रंट लैट पुल डाउन की, इसको परफॉर्म करना है। ये देखें दोनों हाथों से आपने ग्रिप करना है जहाँ से रॉड बेंड हुआ है, अपने दोनों आर्म से नीचे की जाने पुल किया और आराम से ऊपर की जाने, दोनों आर्म्स को बिल्कुल स्ट्रेट ताकि स्ट्रेचिंग हो, स्ट्रेचिंग ऊपर जाके और नीचे आके आपने स्क्वीज करना है। इस तरीके से आपने हमारी सेकंड एक्सरसाइज जो है फ्रंट लैट पुल डाउन की, इसको परफॉर्म करना है। इसके बाद दोस्तों जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है बैक की, इसको कैसे परफॉर्म करना है जरा देखिए। इसको कहते हैं क्लोज ग्रिप बेंड ओवर। इसमें आपने जैसा कि नाम से पता चल रहा है आपने क्लोजली ग्रिप करना है दोनों हाथों से। इसके बाद इस एक्सरसाइज में पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी पोजीशन एक्यूरेट ना हो तो आपकी बैक जो है वो इंजरी का शिकार हो सकती है, तो आपने इसमें बहुत ज़्यादा केयर करनी है। ये देखिए हल्के से आपने जो घुटने हैं उनको बेंड करना है, नीज को बेंड करने के बाद आपने जो आपकी बैक है उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ये आप देख सकते हैं कि मेरी बैक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है और आपने अब दोनों हाथों से ऊपर की जाने पुल करना है, अपने पेट तक लाना है, इन दोनों हाथों से पेट तक लेके आना है इस वेट को और ऊपर आके स्क्वीज करना है। ठीक है, नीचे आपने अपने आर्म्स को बिल्कुल खोलना है बिल्कुल नीचे ताकि आपकी बैक जो है उसमें स्ट्रेचिंग हो। ये आप देख सकते हैं ऊपर आके यहाँ पे मैं 1 या 2 सेकंड के लिए रुकता हूँ ताकि मेरी बैक में टेंशन हो और जो है वो बैक के जो मसल हैं वो स्क्वीज हो। ये देखें, और नीचे आपने बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाना है ताकि बैक में स्ट्रेचिंग भी हो। दोस्तों ये एक्सरसाइज बेसिकली होती है बैक की थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए, और अगर आप अपनी बैक की थिकनेस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस एक्सरसाइज को अपनी जो है बैक के वर्कआउट में लाजमी शामिल करें। फोर्थ एक्सरसाइज हम परफॉर्म करने वाले हैं बैक की। फोर्थ एक्सरसाइज को हम बोलते हैं लो केबल बेंड ओवर।
ये अगर आप अपनी बैक की विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं और बैक की थिकनेस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस एक्सरसाइज को आप लाजमी से परफॉर्म करें। ये बहुत ही ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो अपनी बैक की थिकनेस को इंक्रीज करना चाहते हैं। इसमें आपने एक स्ट्रेट रॉड लेना है और वेट जो है वो आपने इतना हैवी लिफ्ट नहीं करना। इसमें आपने अपने एंगल को जो है ना वो बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज़ करना है। बैक बिल्कुल स्ट्रेट, हल्का सा बेंड आपने अपने नीज में रखना है और रॉड को स्ट्रेट आपने ऊपर की जाने पुल करना है। ठीक है, आपने अपनी लेग्स के साथ साथ इस रॉड को ऊपर लेके आना है और अपनी बैक के जो मसल है इनको स्क्वीज करना है। आपके जो बैक के मसल है वो इस तरह आपने इतना पीछे की जाने पुल करना है कि वो दोनों आपस में जुड़ जाएं। जब वो आपस में देखें जुड़ जाएंगे तभी आपकी बैक में टेंशन होगी, तभी आपकी बैक में ब्लड फ्लो करेगा। और नीचे आप जब लेके जाते हैं राड को तो बिल्कुल सीधा नीचे लेके जाया करें ताकि स्ट्रेचिंग भी हो आपकी बैक में। और ये अच्छा तरीका है कि आप अपनी बैक की जो है वो थिकनेस को इंक्रीज कर सकें। एक हाथ से आपने ग्रिप करना है रोप को, इसके बाद आपने अपने नीज को बेंड कर लेना है, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और अपने एक आर्म से एक हाथ से आपने अपने आर्म को पीछे की जाने पुल करना है। बैक से आपने अपने आर्म को थोड़ा सा पीछे की जाने लेके आना है और ऊपर आके एक या दो सेकंड के लिए रुकना है, स्क्वीज करना है और फिर नीचे की जाने लेके जाना है और अपनी बैक को हल्का सा स्ट्रेच करना है। ये बेसिकली आपके लैटियस मसल जो होते हैं जिनको हम लैट बोलते हैं सिंपली, उन पर इफ़ेक्ट करती है। ये देखें कि आप जब मैं ऊपर लेके आता हूँ तो ये मेरे जो लैट हैं वो जो है स्क्वीज हो रहे हैं, ठीक है, उन पर इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इसमें भी आप ज़्यादा हैवी लिफ्ट ना करें, आप उतना वेट लगाएं जितना आप इजीली लिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका वेट से ताल्लुक नहीं है। बेसिकली ये बिल्कुल एक्यूरेट परफॉर्म करने से ही मसल जो है वो ग्रो होता है। ये छोटा मसल होता है इसलिए इसमें इतना ज़्यादा वेट ज़रूरी नहीं है जितना आपका फोकस होना ज़रूरी है। तो फोकस रहें, माइंड और मसल का कनेक्शन बना के रखें तो आप इसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे और आपके मसल जो है वो ग्रो भी करेंगे। इसी तरह आपने अपने फर्स्ट आपने दूसरे हाथ से भी जो है वो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है और बिल्कुल नाइस एंड स्लो आपने अपनी मूवमेंट को रखना है। देखें आराम से आप ऊपर लेके आएँ, रुकें एक दो सेकेंड के लिए, फिर इसके बाद नीचे ले जाएँ, हल्का सा अपनी बैक को स्ट्रेच करें। बस यही तरीका है, इसी तरीके से आपने इसको परफॉर्म करना है। Just about
इसके बाद हमारी सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज जो कि है रो पुल बैक की। इसको कैसे परफॉर्म करना है, आपने एक क्लोज ग्रिपर लेना है, दोनों हाथों से इसको ग्रिप करना है, आर्म को थोड़ा सा बेंड रखना है, लेग्स में भी थोड़ा सा बेंड रखना है। ये हमारी पोजीशन है, बैक बिल्कुल स्ट्रेट। इसके बाद आपने अपने दोनों आर्म से पीछे की जाने पुल करना है, अपने आर्म्स को बैक से पीछे की जाने पुल करना है। आपने जो ग्रिपर है इसको अपने पेट तक लेके आना है। इसके बाद हल्का सा आगे की जाने पर अपनी बैक को स्ट्रेच करना है, बैक को आगे की जाने थोड़ा सा झुकाना है। आपने अपने आर्म से स्ट्रेचिंग करनी है आपने अपनी बैक में, और पीछे लेके जाके अपनी बैक को स्क्वीज करना है, ठीक है। आपने आप जितना आप मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर सकते हैं इसमें वेट लिफ्ट करें, क्योंकि जितना आप वेट लिफ्ट करेंगे इतना ही आपकी स्ट्रेचिंग जो है वो ज़्यादा होगी बैक में। हाँ, लेकिन इतना ख्याल रखें कि आपने पुल बैक भी करना है, अपने दोनों बाजू से पीछे की जाने भी लेके जाना है अपने बाजू को, ताकि आपकी बैक के जो मसल हैं वो स्क्वीज हों और आपस में जो है वो दोनों जो बैक की साइड के मसल हैं वो आपस में कनेक्ट हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बैक में ब्लड फ्लो करे और आपकी बैक के मसल जो है वो इंक्रीज हो सके और आपकी बैक की थिकनेस इंक्रीज हो सके। इसके बाद दोस्तों हमारी लास्ट एक्सरसाइज है बैक की। देखें, इसमें सबसे पहले आपने अपनी सीट को एडजस्ट करना है। ये अपनी सीट को आप इतना ऊपर कर लें कि आपके जो आर्म्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हो सकें जब आप ग्रिप करें रॉड को, और सेकंडली आपके जो थाइज हैं वो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो सकें। ये देखें, यहाँ से आपने दरमियान से ग्रिप करना है, ना ही आपने वाइड ग्रिप करना है, ना ही ज़्यादा आपने क्लोज ग्रिप करना है, आपने बिल्कुल दरमियान से ग्रिप करना है, जितनी आपकी शोल्डर विड्थ है उसके मुताबिक। दोनों हाथों से आपने नीचे की जाने पुल करना है, और ये देखें ऊपर स्ट्रेचिंग करनी है आपने, और नीचे आके आपने स्क्वीज करना है, ताकि आपकी बैक के मसल जो है वो बिल्कुल टाइट से एक दूसरे के साथ जुड़ जाए और आपको अपनी बैक में जो है वो टाइटनेस फील हो, आपके बैक के मसल टेंस हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है उन पर फोकस कर सकेंगे। देखिए, ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाना है आपने, खोलने आर्म्स को,
ताकि स्ट्रेचिंग फील हो आपको बैक में, और नीचे आपने पुल करना है और 1 से 2 सेकंड के लिए रुकना है आपने, होल्ड करना है। जनाब काफ़ी एक्सरसाइज कर ली हमने बैक की, अब टाइम है पोज हिट करने का। बैक का पोज कैसे हिट करते हैं ये देखें जनाब, इतनी एक्सरसाइज की भाई, इतनी मेहनत की है, कुछ इफेक्ट भी हुआ है बैक पर या नहीं हुआ ये देखें, पोज हिट करते हैं बैक का। सेकंड बार शुरू हो चुका है जनाब, जो कि हमारी शोल्डर की एक्सरसाइज है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने शोल्डर को वार्म अप करना है, वार्म अप पे आपने हल्का सा वेट लगाना है, शोल्डर को रॉड लेना है, शोल्डर वीडल के मुताबिक आपने रॉड को ग्रिप करना है। ये देखिए आप गौर से तो वाइट कलर के छोटे छोटे निशान भी लगे हुए हैं, इसके बाद से आपने रॉड को ग्रिप कर लेना है, ठीक है। रॉड को ग्रिप करने के बाद आपने इसको हल्का सा अपने शोल्डर तक लिफ्ट करना है, इसके बाद आप पैर जाएँ सीट पर,
ठीक है, अपने राड को आप स्ट्रेट ऊपर उठाकर अपने हेड के पीछे की जानिब कर लें। ये देखें, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, बिल्कुल स्ट्रेट आर्म और हेड के पीछे की जानिब राड, ठीक है। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और अपने राड को नीचे की जानिब लेके आना है। ये देखें कहाँ तक मैं लेके आता हूँ, आपके जो कान है उनका जो एंड पॉइंट है, जहाँ से जहाँ पर आपके कान ख़त्म होते हैं, वहाँ तक आपने राड को लेके आना है। यहाँ तक लेके आने के बाद आपने बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की जानिब जो है राड को लेके जाना है, ठीक है। ये देखें, यहाँ तक आपने लेके आना है। और एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि बिल्कुल स्ट्रेट आर्म आपने नहीं करने। देखें यहाँ तक जो मैंने ऊपर लेके आया हूँ अपने राड को, मेरे आर्म्स में अभी भी जो है वो बैंड है थोड़ा सा। ये देखें, इस तरह आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है, ठीक। ये आप नीचे लेके आते हैं तो मैक्सिमम लोड जो है वो आपके शोल्डर पर पड़ेगा और आपके शोल्डर जो है उनमें टेंशन फील होगी और वो जो है इंक्रीज़ करेंगे। जब ऊपर लेके जाएंगे तो स्ट्रेट आर्म करेंगे, इसी तरह आप लिफ्ट करेंगे तभी जो है वो आपके शोल्डर की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होगी। अच्छा, शोल्डर की एक्सरसाइज में एक बात आपको बताता चलूं कि जनाब शोल्डर जो होते हैं वो जितनी भी इंसान की जो बॉडी होती है वो इंसान की चाहे आर्म्स बड़े हों या चेस्ट बड़े हों, लेकिन शोल्डर बड़े ना हों तो इंसान की फिजीक जो है वो मुकम्मल नहीं होती। इंसान जो है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत तभी दिखाई देता है जब उसके शोल्डर बिल्ड हों। तो शोल्डर की एक्सरसाइज का सबसे जो सीक्रेट राज है वो ये है कि आप जितना शोल्डर की एक्सरसाइज को आराम से परफॉर्म करेंगे, जितना स्लोली नीचे आएंगे, उतना ही ज़्यादा ये एक्सरसाइज जो है वो आपके लिए इफेक्टिव होगी। तो नाइस एंड स्लो मूवमेंट आपने रखनी है, स्लोली आपने नीचे लेके आना है और स्लोली ऊपर लेके जाना है। और आपने ऊपर जाके अपने आर्म जो है इनको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करना है, इनमें हल्का सा टेंड लाजमी रखना है।
शोल्डर बैक प्रेस के लगाने के बाद जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है वो है हमारी शोल्डर फ्रंट प्रेस की, ठीक है। तो फ्रंट साइड से भी जो आपके शोल्डर को कैसे हिट करते हैं देखें, वही राड आपने आप क्लोजली ग्रिप करना है, ठीक है। ये देखें मैं इसको अपनी जो है बॉडी के हिसाब से, बॉडी के साथ बिल्कुल जैसे आप स्ट्रेट आर्म करते हैं वहाँ से ही आपने ग्रिप करना है, क्लोज ग्रिप करनी है इस दफ़ा। वैसे ही हल्का सा शोल्डर तक अपने रॉड को लिफ्ट कर लेना है, स्ट्रेट आपने जो है वो बैक जो है अपनी सीट के साथ लगानी है, आग इसमें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट बैक होनी चाहिए आपकी। और ये देखिए स्ट्रेट मैंने ऊपर की जाने, आप पहले जो शोल्डर बैक प्रेस था इसमें हेड के बैक की जाने रॉड रखा था, आप फ्रंट प्रेस है तो हमने इसको फेस के फ्रंट साइड पर रखा है, ठीक है। ये देखिए नीचे की जानेब आपने अपनी जो है वो चीन से थोड़ा सा नीचे लेके आना रॉड को, और ऊपर जाके बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करना, हल्का सा बेंड रखना है और जस्ट ऊपर की जानेब आपने लिफ्ट करना है यहाँ तक, ठीक है। I will be
उसके बाद हमारी शोल्डर की जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है हमारी टंबल फ्लाई। इसको जनाब अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये मोर देन 80% जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो जिम वर्कआउट करते हैं वो इसको रॉन्ग तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो एक्यूरेट तरीका क्या है, देखें, दो डंबल्स को होल्ड किया, अपने थाइस के करीब लाया, इसके बाद आपने अपनी चेस्ट को उठा के रखना है और आपने अपने डंबल्स को ऊपर की जाने मूव करना है, जैसे कि कोई बर्ड फ्लाई करता है इसी तरह आपने भी फ्लाई करना है, क्योंकि इसके नाम से जाहिर होता है कि ये डंबल फ्लाई है। ठीक है, ये देखें, इसमें एक चीज़ आप देखें कि जो मेरे फोर आर्म्स है वो बिल्कुल लॉक है, ठीक है, और जो मेरा बाइसेप्स का एरिया है और शोल्डर का एरिया है इसी को मैंने ऊपर उठाना है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने सिर्फ अपने जो अंडर आर्म्स है इनको हवा लगानी है। सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ तो मैं तो यही बोलूँगा, ठीक है, कि आपने अपने ऐसे उठाना है डंबल्स को कि आपके जो अंडर आर्म्स है वो बिल्कुल आपको साफ दिखाई दें। ठीक है, आपने फोकस सिर्फ यही रखना है कि मैंने अपने अंडर आर्म्स को जो है वो देखना है और अपने जो शोल्डर है इनको ऊपर की जानिब उठाना है। आपने फोर आर्म्स आपके चाहे ऊपर जाए ना जाए, आपका बाइसेप्स से जो शोल्डर का एरिया वो ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, इसमें इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हो आपने ये बात का खास याद रखना है कि आप जो है इस दौरान स्विंग ना करें। जब आप डंबल को नीचे लेके आते हैं तो अक्सर लोग जो है वो आगे की जाने बैंड हो जाते हैं, और जब डंबल को पीछे की जाने लेके जाते हैं तो पीछे की जाने बैंड हो जाते हैं। आपने स्ट्रेट करे होना है, ठीक है, डंबल को हल्का सा ऊपर लेके जाना है, फोर आर्म्स जो है वो आपकी स्टिन होनी चाहिए और आपके बाइसेप्स से शोल्डर का जो एरिया है वो आपका जो है वो ऊपर की जाने जो है वो डंबल को उठा रहा हो। ठीक है, आपने जो सारा लोड है वो अपने शोल्डर पर रखना है, ये देखें, यहाँ तक आपने लेके आना है और फिर आराम से नीचे, ये ऊपर और ये नीचे। ठीक है, ये प्रॉपर तरीका एक्सरसाइज को परफॉर्म। देखें, मैं कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा, कोई स्विंग नहीं हो रहा, ना पीछे की जाने ना आगे की जाने, स्ट्रेट आर्म को ऊपर उठा रहा हूँ फिर आराम से नीचे। इसके बाद शोल्डर की जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो है हमारी डंबल फ्रंट रेज। ठीक है, आपने अपने फोर आर्म्स और बाइसेप में जो है थोड़ा सा टेंड रखना है।
ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट आर्म नहीं रखने हैं आपने, आपके जो डंबल हैं वो ड्रॉप आपके थाइस पर होने चाहिए। ये देखिए मैंने चेस्ट को आगे की जानब कर लिया, थोड़ा सा टेंड रखा बाजू में, और फिर स्ट्रेट इसको ऊपर की जानब लेके आना है, और इतना ऊपर आपने लेके जाना कि आपका आर्म और शोल्डर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, यानी कि आपका हैंड और शोल्डर जो है वो बिल्कुल ऐसे आप अगर तीर लगाएं या एंटी टेप से आप देखें तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए। ये देखें शोल्डर और आपका हैंड जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, ठीक है, यहाँ तक आपने लेके आना है। ये देखें ये आपका एंड पॉइंट है, और आराम से आपने इसको नीचे की ले जाने लेके आना है, अपने थाइस पर आके इसको फिनिश करना है, ठीक है। आपने होल्ड करना है नीचे की जानेब, आपने कंट्रोल मूवमेंट इसकी रखनी है, ये नहीं है कि नीचे की जानेब आते हुए आप जो है वो वेट को बिल्कुल लाइट कर दें, आपने कंट्रोल मूवमेंट कंट्रोल करते हुए नीचे लेके आना है। देखें पुल किया ऊपर की जानेब कंट्रोल और नीचे, पुल किया ऊपर की जानेब कंट्रोल और नीचे, ठीक है। इसके अलावा जब आप इसको ये देखें कंट्रोल करके आप नीचे कर, अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप आगे की जानेब झुक जाएंगे, आगे की जानेब आप फॉरवर्ड हो जाएंगे, जब आप नीचे डंबल आपका डंबल नीचे की जानेब आएगा तो आप आगे की जानेब फॉरवर्ड हो जाएंगे, और जब आप इसको पुल करेंगे तो आप अपनी बॉडी का भी जोर लगाएंगे तो आप जो है पीछे की जानेब बेंट होंगे। ये स्विंग नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, आपने स्ट्रेट जस्ट खड़े रहना है और सिर्फ अपने आर्म्स को जो है वो मूवमेंट देनी है।
इसके बाद जनाब हमारी जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट वो है बैक शोल्डर की। ये एक्सरसाइज जो है अगर इसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करें तो ये बहुत ही टफ होती है। मुझे तो भाई बहुत टफ लगती है, अब आपको पता नहीं लगती है कि नहीं लगती। देखें इसको कैसे परफॉर्म करना है। आपने एक अपने छोटे से बेंच पर बैठ जाना है, अपने नीज के बल जो है वो आपने आगे हो जाना है, आपका पेट जो है वो आपके थाइस के साथ लग जाएगा, डंबल जो है वो आपने अपने थाइस के नीचे रखने हैं और लेग से पीछे रखने हैं। ये देखें ये इसकी पोजीशन है, ये स्टार्टिंग पोजीशन है। यहाँ से आपने अपने डंबल को ऊपर की जाम, जैसे आपने खड़े होकर फ्लाई लगाई थी, ये आपने इस पोजीशन में जो है वो आप फ्लाई लगानी है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे होते हैं बैक शोल्डर के लिए। जिन लोगों का पोस्चर ठीक नहीं ना होता, जिन लोगों की कमर जो है वो आगे की जानब झुकी होती है, ठीक है, ये उनके लिए भी एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है। ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो उनकी कमर जो है, उनका पोस्चर जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ये देखें नीचे जो है वो आपने डंबल को जो है एक दूसरे के करीब लेके आना है, ऊपर आके बिल्कुल पीछे की जानब जो है वो पुल करना है दोनों बाजुओं को जोर से, ठीक है, ताकि आपके जो शोल्डर के जो मसल्स हैं वो आपस में जो है वो टच हों। यहाँ तक आपने लेके आना है कि आपके शोल्डर के मसल जो है वो टच करें, इतनी फोर्स से आपने इसको पीछे की जानब पुल करना है और फिर कंट्रोल मूवमेंट आपने इसको नीचे की जानब लेके आना है। ये देखें ऊपर पुल और कंट्रोल नीचे, ऊपर आगे आपने कोशिश करनी है कि एक से दो सेकंड के लिए होल्ड करें और फिर आराम से नीचे की जाने बनाएंगे। भाई मुझे तो ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही टफ लगती है। आप एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितनी टफ एक्सरसाइज है। अगर आपको ये एक्सरसाइज टफ लगती है तो आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है। So I'll be there. I'll be there. Never leaving you in the darkness. Even when you're out of focus, I will be the light in your life. You'll see it clear. I'll be your inspiration. Cause I know that you do just what you're told. I'll be your heart and intention.
इसके बाद दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी डंबल श्रग्स की, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें थोड़ा सा आप हैवी वेट भी लिफ्ट कर सकते हैं, और कुछ बातें हैं जो इनका आपने ख्याल रखना है। तो ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है आपके ट्रैप्स को डेवलप करने के लिए। तो कुछ चीज़ें ये हैं कि आपने अपनी चेस्ट को बाहर की जानब रखना है, शोल्डर पीछे कर लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है, आपने अपनी एल्बो को बेंड नहीं करना, आपने स्ट्रेट आर्म से इसको परफॉर्म करना है। स्ट्रेट आर्म से आपने इसको ऊपर की जानब अपने शोल्डर को उठाना है, जितना मैक्सिमम ऊपर की जानब उठा सकते हैं वहाँ तक जाकर आपने होल्ड करना है, और फिर आराम से आपने डंबल को नीचे की जानब लेकर आना है, ठीक है, और आराम से आपने इसको ऊपर उठाना है, लेकिन मैक्सिमम जितना ऊपर उठा सकते हैं वहाँ तक उठाकर आपने होल्ड करना है। देखिए मैंने होल्ड किया और इसके बाद आराम से डंबल को नीचे की जानब आने दिया और अपने शोल्डर को स्ट्रेच किया, ठीक है। सारा लोड जब आप नीचे लेके आते हैं तो आपके शोल्डर्स पर पड़ता है, ठीक है। जब आप ऊपर होल्ड करते हैं तो आपके जो ट्रैप्स हैं इनमें ब्लड फ्लो करता है, और यही साइंस है कि ये जो है आपके ट्रैप्स जो हैं इस एक्सरसाइज से इंक्रीज होते हैं। सेकंडली मैंने एक चीज़ नोट की है कि बहुत से लोग क्या करते हैं जी, जब इसको ऊपर उठाते हैं शोल्डर को, उसको शोल्डर को पीछे की जानब जो है वो मूव करते हैं, तो इसमें आपने कोई शोल्डर मैटर नहीं करनी, सिंपली आपने शोल्डर को ऊपर की जानब उठाकर होल्ड करना, फिर आराम से नीचे लेके आना ताकि शोल्डर में स्ट्रेचिंग हो। इसके बाद दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर की वो है बैक शोल्डर की, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग रोप पुल बैक। तो दोनों हाथों से आपने रोप को ग्रिप करना है, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि हुक को आपने ऊपर की जानब रखना है, ठीक है। रोप को दोनों हाथों से ग्रिप किया, इसके बाद एक कदम पीछे की जानब मूव किया, और आपने दोनों आर्म्स के साथ जो है वो रोप को पीछे की जानब पुल करना है। रोप को आपने मैक्सिमम जो आपके जो ईयर्स हैं वहाँ तक आप पुल करेंगे तो आपके जो बैक शोल्डर के मसल्स हैं वो आपस में टच होंगे और यही आपका एंड पॉइंट होगा। इसके बाद आपने आर्म को खोलना है, आगे शोल्डर के मसल्स को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है और पीछे आके स्क्वीज करना है। ये देखें पीछे आके स्क्वीज और आगे थोड़ा सा स्ट्रेच, ये देखें इस तरह आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। दोस्तों ये थी कुछ हमारी शोल्डर की बेसिक एक्सरसाइजेस। यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि सिंपल एक्सरसाइजेज आपको बता दूँ ताकि जो बिगिनर्स हैं
वो भी इन एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकें। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये जो हमारा शोल्डर और बैक का वर्कआउट है ये पसंद आया होगा। अगर आपको जो है हमारा ये वर्कआउट पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइंदा इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ, फिर जो है इंटरमीडिएट लेवल और प्रो लेवल पर भी मैं वीडियोस आपको बताऊँगा कि कैसे परफॉर्म करते हैं। तो फिलहाल जो बिगनर्स हैं वो मेरी इन एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये उनके लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज अगर वो ट्राई करेंगे तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो मेरे मसल भी हैं जो पॉप आउट होते हैं जब मैं इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करता हूँ। और एक बात याद रखिएगा कि एक्सरसाइज में पोजिंग को अपनी रूटीन बना लें, क्योंकि पोजिंग आप करते हैं तो ब्लड फ्लो मज़ीद करता है आपके जो मसल्स हैं, जिस मसल की आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वही पोज हिट किया करें तो मसल्स के ब्लड फ्लो करने की वजह से मज़ीद इंक्रीज होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो प्रॉपर डाइट लें, फोकस रहें, स्लोली एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, ठीक है, रेगुलर रहें, तो इंशाल्लाह जो है वो आपके जो मसल्स हैं वो ग्रो करेंगे और आपकी बॉडी जो है वो शेप में आ जाएगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।